हाय आई एम विवेक। और इसके जो फर्स्ट पार्ट देखा था हमने मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक का, उसमें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था और पता किया था कि उसको क्या प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल नॉन मेटल्स की, और अलग अलग प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ा था। और अब हम क्या करने वाले हैं, जो अगला टॉपिक है हमारा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, रिएक्शन विथ एयर। तो पहले मैं मेटल का क्या करवाने वाला हूँ, एयर के साथ रिएक्शन करवा के दिखाने वाला हूँ, और देखते हैं कि जब भी मेटल को एयर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो रिएक्शन विथ एयर, तो मैंने क्या बोला है, इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। व्हेन एवर मेटल रिएक्ट विथ ऑक्साइड इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल प्लस ऑक्साइड गिव्स अस मेटल ऑक्साइड। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लिखा है कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम पहले चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में इस बैलेंसिंग को पढ़ के आ चुके हैं कि हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन। ओके, तो आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के मिलकर एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड बना रहा है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैंने ना नोट में कुछ तीन चार चीज़ें लिखी हैं जो आपको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस नोट को। वो नोट क्या लिखा हुआ है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव। एज वी नो, हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था कि जो सोडियम पोटेशियम एंड सीजियम होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव। ओके, सो दे आर रिएक्टिव सो मच दैट इसको हम बाहर नहीं रख सकते, बिकॉज इट रेडली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म फायर, टू कैच फायर। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमेशा सोडियम एंड पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। तो ये भाई क्वेश्चन तैयार हो गया आपके लिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर कैप्ट इन अ कैरोसिन ऑयल। तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न लिखना है, बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, इट कैच फायर ईजली। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने कि सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव एंड दे कैच फायर इफ कैप्ट इन ओपन, सो दे आर कैप्ट इन कैरोसिन ऑयल। ओके, तो इस नोट को आप एकदम अच्छे से समझेंगे, इस नोट का मतलब क्या है, ये दो बहुत रिएक्टिव होते हैं और इजीली क्या ऑक्सीजन देख करके फायर पकड़ सकते हैं, फायर कर सकते हैं, फायर लग सकता है, इसीलिए इसको कैरोसिन ऑयल में डिबो के रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक एंड लेड आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट इट फर्दर ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, लेड होता है, इसके कवर को हम एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड होती है ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो सके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, एफ ई डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न वेरी स्ट्रांगली। ओके, यहां पे मैंने विग्रसली लिखा है, यहां पे स्ट्रांगली लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो आयरन कुछ नहीं होगा लेकिन आयरन फिलिंग्स जो होगा बहुत स्ट्रांगली बर्न होगा। ओके, द नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने कि सिल्वर, दिस इज गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है रिएक्शन विथ एयर के साथ में। तो क्या क्या हमें, अगर मैं दो मिनट में बताऊं कि क्या क्या हमें इस पॉइंट में मेन हमने सीखा है, तो ये है कि जब भी कोई मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। और तीन चार चीज़ें भी सीख ली कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, किसकी क्या चीज़ें हैं, किसकी क्या कम है। ओके, तो आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा अभी तक कि इसको कैसे करना है। ओके, नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी को पजेस करे उसको एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज एम्फोटेरिक बिकॉज वाटर कंटेन OH पार्ट एंड H प्लस पार्ट। OH पार्ट इज अ बेसिक पार्ट, H प्लस पार्ट इज अ एसिडिक पार्ट। द कंपाउंड विच contain both acidic and basic part, a compound which show both acidic and basic property is known as amphoteric. तो यहाँ भी वही होने वाला है, what is amphoteric oxide, metal oxide which react with both acid and base, metal oxide which react both acid and base to produce salt and water is known as amphoteric oxide. वह ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है उसको आप बोलोगे amphoteric oxide.
ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट इसका जो पढ़ेंगे ए बी पार्ट, उसमें पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। उसमें हम देखेंगे वार्म वाटर के साथ रिएक्शन में क्या होता है, स्टीम के साथ क्या होता है, कोल्ड के साथ क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, देखो कुछ मेटल हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये सारे एक्टिव मेटल हैं। तो ये इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना कि इनको अगर कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन कर लेंगे। ऑन द अदर हैंड कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो वहाँ पर हमें पानी का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो हो सकता है हमें बॉइल्ड वाटर यूज करना पड़े या स्टीम यूज करना पड़े। तो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे, जिसकी रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा है वो उतने आसानी से रिएक्ट कर जाएगा। तो वही करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो उसको देखते हैं बी पार्ट को। ओके ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रिएक्शन विथ मेटल में करते हैं अगर वाटर के साथ तो क्या बनने वाला है। तो इसके मैंने आपको दिखा दिया था अभी, इसका जो हमने प्रीवियस पार्ट किया था एम्फोटेरिक तक हमने पढ़ा था इसमें, ठीक है। अभी जो लास्ट हमने किया था इक्वेशन ए में, अब हम क्या करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि अलग अलग वाटर के साथ हम लोग करने वाले हैं, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट वाटर, इट मींस वार्म वाटर लेंगे, कोल्ड वाटर लेंगे और एक बार स्टीम लेंगे और देखेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट आने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया था सेम टू सेम क्या लिखा हुआ है, इट गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इट मींस व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद वाटर इट गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड व्हेन द मेटल ऑक्साइड इज रिएक्ट विद वाटर इट गिव मेटल हाइड्रोक्साइड, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH। तो ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो बड़ी कमाल की चीज़ें हैं ये, समझते रहेंगे आप। तो मेटल प्लस वाटर गिव्स अस मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, नेक्स्ट मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दिस इज गुड। ओके, उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा एक्टिव वाले का क्या केस है, तो चलिए देखते हैं एक बार। ये मेरा मेटल हो गया कोई सा भी, मैंने बोला रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, अगर वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कौन कौन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, और बहुत ज़्यादा एक्टिव कौन होते हैं भाई, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ओके, नाउ रिएक्ट विथ हॉट H2O, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन किसके साथ करने वाला, हॉट वाटर के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन विथ स्टीम, तो एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये ना कोल्ड वाटर के साथ करेगा ना हॉट वाटर के साथ करेगा, दे रिक्वायर मोर हीट, तो ये किसके साथ करने वाला है, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। अगला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, नो रिएक्शन विथ H2O, मतलब लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये रिएक्शन नहीं करेंगे, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। बोलते हैं ना हम गोल्ड पहनो, गोल्ड में कितना भी पानी जाता है कोई प्रॉब्लम होती है क्या, कभी उस पर कोरोजन होता है क्या, उस पर कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है, दे आर ऑलवेज शाइन, क्यों, बिकॉज मेटल के साथ गोल्ड, जो गोल्ड है ना, गोल्ड अपना जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो सिल्वर, गोल्ड, लेड, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। तो बड़ी कमाल की ये चारों चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है, अगर ओके अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, दैट इज डाइल्यूट एसिड। अब मैंने एसिड बेस में बहुत अच्छे से समझाया था कि व्हाट इज डाइल्यूट एसिड एंड व्हाट इज कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। द एसिड इन विच द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर देन एसिड, अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर देन एसिड, देन इट इज नोन एज डाइल्यूट एसिड। इफ द एसिड इज मोर एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर देन इट इज कंसंट्रेटेड एसिड, सो हेयर द केस इज डाइल्यूटेड एसिड। तो क्या बोला है कि whenever metal react with dilute acid, they form salt. For example, देखिए Fe plus HCl, FeCl2, Zn plus HCl, ZnCl2 plus hydrogen, and so on. Aluminium उसके साथ रिएक्शन करके ये हमारा बना रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें किसके साथ करके क्या करने वाला है। चलिए इसके अगर आप बोलते हो कि एक एग्जाम्पल दे दो, तो मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बोला कि मेरा सोडियम है, मेटल है, ये पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा भाई, सो व्हेनेवर द मेटल रिएक्ट विद H2O दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, नाउ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो हम सीधा वो स्टेप लिखने वाले हैं, तो ये क्या बनता है, NaOH प्लस, NaOH बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट, क्या बनेगा, हीट। अब बैलेंस कर लो भाई, NaOH है ये दो है, तो इसको 2Na कर दो, तो दैट इज 2NaOH, इसको भी 2H2O कर देते हैं, ठीक है। तो नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस, क्लियर है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से आप कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिसका भी मन करे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसका भी निकाल सकते हैं, तो बड़े सिंपल तरीके से मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मान लो मेरे को लिखना होता कैल्शियम का, तो कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस।
क्लियर है। तो इस तरीके से चीज़ें रिएक्शन कर सकती है। बैलेंसिंग इज नॉट अ इशू, बैलेंस तो आप आसानी से कर सकते हो, बहुत बैलेंस करके हैं। इसको देखते हैं, कैल्शियम ए, कैल्शियम ए, ओ एच, अच्छा यहाँ पे टू कर दो बस, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग आराम से कर सकते हो। इसी तरीके से आप किसी और एल्युमिनियम का भी रिएक्शन करवा सकते हो या मैग्नीशियम का भी रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। रिएक्शन हमने पढ़ा इसमें कि रिएक्शंस क्या होता है। रिएक्शन मेटल, पहले हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, उससे पहले पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्साइड, उसके अंदर पढ़ा था कि भाई कैरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के क्यों रखते हैं हम लोग सोडियम एंड पोटेशियम को। उसके बाद हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट था रिएक्शन को पढ़ने का। तो ये मेटल की सारी रिएक्शन हमारी हो गई है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला हूँ, जहाँ पे हम रिएक्टिविटी सेल्स के बारे में बात करेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। टिल ऑल द बेस्ट।